अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो, नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन, कल गांधीनगर से नामांकन भरेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह का बयान, जी न्यूज से बोले, सीएए को अब कोई नहीं रोक सकता, आरक्षण पर गलत बयानबाजी कर रहा विपक्ष। बिहार में तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो वायरल, जनसभा में चिराग पासवान की मां को कहे गए अपशब्द, बीजेपी का आरोप, जानबूझकर दी गई गाली। चिराग पासवान की मां को अपशब्द वाले विवाद पर चुनाव आयोग से एनडीए नेताओं ने की शिकायत, एनडीए की तेजस्वी पर एफआईआर करने की मांग। गाली विवाद पर तेजस्वी यादव की सफाई, बोले, ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। गाली विवाद पर चिराग पासवान का बयान, बोले, तेजस्वी के सामने मेरी मां को अपशब्द कहे गए, दुख हुआ, अगर मैं होता तो मुंह तोड़ जवाब देता, अपनी मां और राबड़ी देवी में फर्क नहीं करता। गाली विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर निशाना, बोले, आरजेडी के जरिए किया गया अशोभनीय कार्य, सख्त कार्रवाई होगी। चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहे जाने वाले विवाद पर जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर हमला, कहा, तेजस्वी के इशारे पर दी गई गाली, अपमान का बदला लेगी जनता। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने दोनों की प्रॉपर्टी अटैच की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने राज कुंद्रा पर कार्रवाई की, जुहू के फ्लैट, पुणे के बंगले सहित 98 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, भीड़ ने लाठी और डंडों से किया हमला। उपद्रवियों ने दुकान में भी लगाई आग, 4 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुर्शिदाबाद हिंसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में सुनाई दे रही फायरिंग की आवाज। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी का बयान, बोले, जुलूस में तलवार ले जाने को किसने कहा। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा, अफसरों को भी बीजेपी के गुंडों ने पीटा, हिंसा कर सके इसलिए डीआईजी को हटाया। शोभा यात्रा पर हमले के मामले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप, बोले, ममता के भड़काऊ बयान से हुआ हमला। शुभेंदु अधिकारी ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, एनआईए जांच की मांग उठाई, कहा, ईसी ममता बनर्जी पर कार्रवाई करे। पथराव के बाद बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन, अग्निमित्रा की पुलिस से हुई बहस। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का सीएम ममता पर आरोप, बोले, ममता ने मुस्लिमों को भड़काया, पुलिस ने नहीं दर्ज की शिकायत। हिंसा के बाद शक्तिपुर में धारा 144 लागू, इलाके में सेंट्रल फोर्स की 2 कंपनी तैनात। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यालय के सामने लगे बैनर फाड़े गए, बीजेपी नेताओं के पोस्टर में लगाई आग, टीएमसी पर आरोप। बेंगलुरु में कल रामनवमी पर जय श्रीराम बोलने पर 3 युवकों की पिटाई का आरोप, पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पकड़ा। बेंगलुरु में जय श्रीराम बोलने पर मारपीट मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध, पुलिस स्टेशन के सामने किया प्रदर्शन। नक्सलियों को शहीद बताने वाली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर भड़की बीजेपी, कहा, कांग्रेस सुरक्षा बलों का मनोबल गिराती है। बुलंदशहर की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार, बोले, राज्य में अपना दंगा न कर्फ्यू, जो ऐसा करता है उसका राम नाम सत्य हो जाता है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की एक और लिस्ट, मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से दिया गया टिकट। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए 96 सीटों पर नामांकन जारी, आंध्र, बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा की सीटें शामिल, 13 मई को होना है मतदान। बारामती से जो उम्मीदवार है सुप्रिया सुले ने दाखिल किया नामांकन पत्र, बाबा साहेब अम्बेडकर को किया नमन। नामांकन दाखिल करने के बाद सुप्रिया सुले का बयान, बोली, ये विचारों की लड़ाई है। बारामती से सुनेत्रा पवार ने भी भरा पर्चा, सीएम शिंदे, उप मुख्यमंत्री फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इंडिया गठबंधन की रैली में सुनीता केजरीवाल भी होंगे शामिल, सीएम मान और संजय सिंह भी करेंगे शिरकत। दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए आपके मेयर और डिप्टी मेयर उम्मीदवार ने किया नामांकन, मंत्री आतिशी भी रही मौजूद। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एसएफआई के बीच झड़प, धार्मिक नफरत फैलाने वाले गाने पर हुआ विवाद। चेन्नई में भारी बारिश से कई उड़ानें रद्द, यात्रियों ने हवाई अड्डे पर प्रदर्शन किया। बिहार में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल, 14 जिलों के लिए लू को लेकर येलो अलर्ट। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने क्लिनिक पर मारा छापा, बेटा होने का झांसा देकर बेचता था दवाएं। यूपी के एटा में डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 4 की मौत, कई घायल। गाजियाबाद में बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग, पूरी बिल्डिंग खाक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक गोदाम में भीषण आग, धुधुकर जला गोदाम। लेबनान पर इसराइल ने किया हमला, हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी। ईरान के हमले के बाद अपने एयर डिफेंस सिस्टम को दुरुस्त करने में जुटा इसराइल। फिलिस्तीन के पीएम ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, मानवीय सहायता बढ़ाने पर चर्चा। ईरान के खिलाफ इसराइल के हमले की तैयारी, नेतन्याहू बोले, अपनी रक्षा के लिए तैयार।
गाजा में युद्ध के बीच लोगों को मिली थोड़ी राहत, राहत शिविरों से निकलकर समुद्र के किनारे जमा हुए लोग। चीनी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से वीडियो कॉल पर की बात। इसराइल हमास युद्ध पर बोले कतर के प्रधानमंत्री, मध्यस्थता का करना होगा मूल्यांकन। केन्या में बाढ़ से हालात खराब। आइसलैंड में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट, आसपास के इलाके को खाली कराया गया। मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच आज मुकाबला, शाम 7:30 बजे मोहाली में होगी भिड़ंत।